तो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रिल में अपने पार्टनर को 10 टू 15 स्टेप दूर खड़ा करना है और उसको आगे बोल जोर से, जो पुरानी बॉल से होती है उसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं, जो नई बॉल से कराते हैं उसको स्विंग बोलते हैं। तो आपको अपना हेड बॉल के ऊपर ले जाना है और पैर बॉल की लाइन में, तो हेड अगर बॉल के ऊपर जाएगा तो पैर अपने आप आए। ड्रिल करते समय अपने पार्टनर को बोलो बॉल सिर्फ रिलीज करना है और योर सेलोटेप वाला साइड भी देखना है। लगता है तो इस पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। शरीर क्रिकेटर्स में आपको बॉल पकड़नी और सीन देखनी है, अंदर आ रही है बाहर आ रही है, इसमें कॉल करना इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द एमकेसीसी क्रिकेट एकेडमी। और आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि ये बैट और एक बॉल है। आप सोच रहे हैं क्या बताने वाला हूं, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बॉल स्विंग होती है उसको कैसे खेला जाए, उसको कैसे जज किया जाए। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हाउ टू प्ले स्विंग बॉल, यानी स्विंग बॉल कैसे खेले। सो गाइस, हम पांच चीजों पे बात करने वाले हैं जिससे आपकी बैटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी स्विंग बॉलिंग खेलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है मिस्टेक, हम क्या क्या कर देते हैं, फेलियर क्या हो जाता है, गलती करते हैं। सेकंड, इनिशियल टेक्निक क्या होता है बॉलिंग खेलते समय, जो स्विंग बॉल को खेलें तो क्या टेक्निक होनी चाहिए। और देन थर्ड आता है हाउ टू जज स्विंग बॉल, बॉल को कैसे जज करें। एंड फोर्थ है प्रॉपर ड्रिल्स में बताऊंगा स्विंग बॉल खेलने के लिए। एंड फिफ्थ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एंड यू बिकम ए गुड बैट्समैन फॉर स्विंग बॉलिंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बैट है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्विंग होता क्या है। स्विंग क्या होती है, कोई भी चीज़ लहर रही हो, जैसे हवा चल रहा है, हवा में कुछ पतंग उड़ रही है तो भी लहरता है, वो भी स्विंग हो रहा है। कोई झूला झूल रहा है वो भी स्विंग हो रहा है। सपोज जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, अभी जब बैट आ रहा है तो क्या बोलते हैं, ये बैट स्विंग हो गया ना, ये हमारा बैट स्विंग हो गया। उसी तरीके से हर चीज़ जो है ये उसे स्विंग कहा जाता है। अब स्विंग दो तरीके से होते हैं बॉलिंग के, क्रिकेट के लैंग्वेज में। तो स्विंग क्या होता है, एक स्विंग वो होता है जो नई बॉल से कराई जाती है उसको स्विंग बोलते हैं, और एक होती है जो पुरानी हो जाती है, वो जैसे आप देख रहे हो ये बॉल ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है। तो इधर काफ़ी ये देखो, इधर मैंने शाइन कर रखा है, शाइन एरिया दिखाओ, इधर शाइन कर रखा है और इधर रफ है। तो ये जो रफ एरिया है, अब इसके क्या होगा, इसको कराने पर होगी रिवर्स स्विंग। तो जो पुरानी बॉल से होती है उसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं, और जो नई बॉल से कराते हैं उसे स्विंग बोलते हैं। अब क्या होता है, स्विंग कैसे होता है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है बेसिक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो साइंस क्या कहता है। देखो ये जो हमारा रफ एरिया है, आपको रफ एरिया दिख रहा हो, अगर ये नई बॉल है और ये रफ एरिया पे आप देख रहे हो, अगर इस पर हवा लगता है तो इस पर, ये रफ एरिया पे जो हवा लगता है तो इस पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिस तरीके से हवा सही से पास नहीं हो पाता। और जो शाइनी तरीका है, मैं नई बॉल के लिए बता रहा हूँ, जो शाइनी तरीका है और इस पर हवा ईजिली पास हो जाता है, इसलिए नई बॉल से क्या होता है, जिधर साइन होता है उधर नहीं होता है, जिधर रफ होता है उस तरफ से अंदर आती है। लेकिन यही अगर मैं बता दूं, अगर रिवर्स हो तो रिवर्स के लिए क्या होता है, उल्टा अपोजिट हो जाता है, इसलिए रिवर्स स्विंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जिधर साइन होगा उधर उस तरफ अब स्विंग होगी बॉल। सपोज जैसे यहाँ पे साइन है और ये, क्योंकि यहाँ पे पसीना लगता है, स्वेट लगाते हैं, अब पहले थूक लगाते थे, अब तो थूक बैन हो गया, तो जब से कोरोना आया तो अभी स्वेट लगाते हैं या कोई ऑलमोस्ट पानी पसीना ही लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये हेवी हो जाता है। तो हेवी होने की वजह से बॉल इस तरफ भागता है, क्योंकि हेवी जो एरिया रहता है उधर ज़्यादा वेट रहता है, इस तरह से उधर बॉल चलती है। तो अब बात होगी कि ये स्विंग होता है। अब पता है खेले कैसे, स्विंग को खेलने का सबसे ईजी तरीका है कि आप, हम बात कर रहे हैं स्विंग को खेले कैसे। देखो स्विंग को खेलने के लिए सबसे ईजी तरीका है, आपका पहले स्टांस कैसा है, ठीक है, स्टांस अपना देखिए, स्टांस किस तरह खड़े हैं। कई लोग होता है स्टांस ले ऐसे वेट गिरा होता है, अब आपका हेड ही इधर गिर गया, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं ना बहुत से बंदे, जिससे देखो ये शोल्डर हमारा किधर है, इधर झुका हुआ है, हेड किधर, इधर गिर रहा है, तो इससे क्या होगा, बॉल ऐसे आ रही है, आप जाओगे और एयर नहीं आएगा, पैड पे खा जाओगे। इसीलिए वो किसी भी चीज़ को दो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसीलिए किसी एक को नॉर्मल होना पड़ता है या एक को एग्रेसिव। कोई अगर बंदा एग्रेसिव है तो उसके सामने बात करने वाला थोड़ा काम हो, कूल डाउन हो, तो उससे बात करें, रिलैक्स होके तो बातचीत होगी। अगर दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर बात नहीं चलेगी। तो उसी तरीके से स्विंग खेलने के लिए आपको बैलेंस होना पड़ेगा। अगर सामने स्विंग हो रही है, नहीं बॉल आ रही है, तो आपको बिल्कुल बैलेंस रहना पड़ेगा लास्ट टाइम तक। आपका वेट अच्छे से ट्रांसफर होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हाँ स्विंग कैसे करना है। जैसे बॉल आ रहा है, अब पहले मैं स्टांस की बात बता रहा था, तो स्टांस में क्या है, ये स्टांस खड़े होगा, ठीक है, आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग, देखो मेरे शोल्डर के अकॉर्डिंग दोनों पैर खुले हुए हैं, ठीक है, शोल्डर के अकॉर्डिंग दोनों पैर खुले हुए हैं। अब मैं खड़ा हो गया, अब मैंने किया टैप, ठीक है, अब बैट उठा लिया, अब मेरा क्या है, शोल्डर, हेड, हेड मेरा न्यू है, नहीं यू है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है,
एक्स करना, सही करना, ऐसे करना, ठीक है। हेड मेरा बिल्कुल सीधा है, हेड कहाँ है मेरा, शोल्डर के ऊपर, ठीक है। और जो मेरा बैट कहाँ से आ रहा है, या तो विकेट कीपर के पास से, या फर्स्ट स्लिप के पास से, कोई भी सेकंड स्लिप के पास से भी रखता है, लेकिन जो सही तरीका है वो फर्स्ट स्लिप या विकेट कीपर के पास से ही रखो तो बेटर है, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब दूसरी क्या चीज़ है, आपका स्टांस हो गया, देन हम बात करते हैं पिक करें कैसे, जज कैसे करें बॉल को। तो देखो, जब खड़े हो आप तो कभी भी, ये मेथड स्पिनर के लिए भी है, अगर कोई टर्निंग विकेट है, स्पिनर बॉल डाल रहा हो, तो क्या होता है, स्पिन तो तब होगी ना जब उसको डिस्टेंस मिले होने का। सपोज ये बॉल स्पिन या स्विंग तब होगी ना, अब जैसे मान लो स्पिनर है, काट के बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो स्पिनर की ये बॉल है, ये लेंथ है, ठीक है, स्पिनर की लेंथ है, अब मैं यहाँ हूँ और मैंने इतना ही पैर निकाला, ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, अब वहाँ से यहाँ तक बॉल को लगभग एक मीटर के, एक मीटर मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक टर्न होने में, या अंदर आने के लिए लेफ्ट आर्म डाल लो तो यहाँ इतना टर्न हो जाएगा, अब जितना पैर निकाला मैंने वेट हो गया, अब यही मैं यहाँ पहुँचूँ और ये रख दूँ, ये देखो अब क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, इससे क्या होगा, मैं इजीली खेल जाऊँगा, स्पिन को मैंने ख़त्म कर दिया। इसी तरीके स्पिन तरीका क्या है, अगर आप जहाँ स्टेप आउट करके या बॉल के तक पहुँच सकते हो स्पिन में, लेकिन मीडियम पेसर स्पिन उसमें आप स्टेप आउट करके नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या होता है कि क्रीज छोड़ के खेल सकते हो। अगर बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही है तो मेरा क्रीज ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अब बंदा जब आगे फेंकेगा रिलीज कर तभी स्विंग होगा, छोटा बॉल इतना स्विंग नहीं होता, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा आगे आ सकता हूँ विकेट के, क्योंकि विकेट कीपर भी नई बॉल से आगे खड़ा नहीं होगा, उसको पता है स्विंग हो रहा है, बहुत कम रेयर है, तो यहाँ से हल्का सा मैंने डिस्टेंस कम किया। अब दूसरी ट्रिक ये बता रहा हूँ कि पैर कोशिश करो पैर पूरा ले जाने के लिए, और जो बैट है ना, बैट इतना अवे रहने की चीज, इतने नहीं रहे कि यहाँ से खेल रहे और इतना गैप हो रहा है, तो उसमें भी आप गलती कर जाओगे, इसीलिए वो क्लोज टू द बॉडी खेलो, बॉल को लास्ट टाइम तक वॉच करो और बॉल के क्लोज जाओ, और बैट है ना यहाँ रखो अपने, यहाँ ये ऐसा मत खेलो, या बैट को फेंको मत, ठीक है, बैट थ्रो मत करो या पुश मत करो, अगर बॉल स्विंग हुई तो आने दो, हेड के नीचे खेलो जितना हो सके। और सबसे इजी तरीका है जो सारे बैट्समैन अप्लाई करते हैं, सबसे अच्छा मैंने देखा विराट कोहली का, उसका क्या सीन है कि जो बॉल नहीं होती है, अगर बैटिंग करना आ गया, या रोहित शर्मा भी, तो क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ हिल रही होती है बॉल, आउट स्विंग की हो रही है, इन स्विंग हो रही है, उसके लिए क्या करना है, आप इन स्विंग के लिए रेडी रहो, अगर समझ नहीं आ रहा एक ही सीम से अंदर आ रही है तो रेडी रहो, इन स्विंग के लिए रेडी रहो, आ रहा है खेल लिया, बाहर जा रही है लेफ्ट कर दिया, आगे मिली पूरा कवर ड्राइव लग गया, तो छोटा एक ना एक डालेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीधा रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अब मैं आपने ये सब जान लिया, ठीक है, कैसे खेले क्या चीज़, अब देखो रिलीज पॉइंट क्या होती है बॉलर की, अब यहाँ से पिक कर सकते हो, आप बैटिंग कर रहे हो, ध्यान दो, देखो बॉलर छोड़ कहाँ से रहा है, ये हाथ क्या होता है, जब बॉलर छोड़ रहा होता है तो उसका सीन यहाँ से हिट करेगा, ये अगर साइन बाहर है और नई बॉल से डाल रहा है, साइन बाहर है, रफ अंदर है, तो आपको पता है अंदर जाएगा, तो वो सीन ऐसे रिलीज हो, क्यों, क्योंकि जब वो छोड़ेगा तो अपने आप हैवी ये एरिया यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो क्या हुआ, ये अंदर ऐसे चलेगा, तो ये रिलीज छोड़ेगा ऐसे, ये अंदर के लिए हो गई, ये इन स्विंग के लिए हो गई, ये ऐसे इन स्विंग चलेगा, इसी तरीके से नहीं बोलते ऐसे, ये आउट स्विंग चलेगा, ये बाहर की तरफ, और कई कई बॉल होती है सीमर बॉल होते हैं, जैसे शमी वगैरह, उनकी सीम सीधी रहती है, सीधी सीम रहती है और पढ़ के कटती है सीम से, ठीक है, तो उस पर भी देखा करो, वहाँ से क्या होगा, उसका जब भी वो ऐसा बॉलर होगा सीधा अगर सीम पड़ रहा हो, ठीक है, और क्विक एक्शन है तो उसका ऑलमोस्ट अंदर ही आएगा बॉल, और वहाँ पे ये भी देखते हैं कि उसकी साइनी और एरिया और रफ एरिया किधर है, ये आपको यहाँ से पिक करना पड़ता है, नई बॉल से आप जैसे भुवनेश्वर डालता है, जब वो डालते हैं तो उसकी कलाई लगती है, ये सीम इन स्विंग के लिए ऐसे और बाहर के लिए फिर ये इस तरीके से ऐसे, तो रिलीज होते हैं तो सीम से पता चल जाता है कि हाँ वो अंदर आ रही है, वो बाहर जा रही है नई बॉल से, तो बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, आपको बॉलर का देखना पड़ेगा, बॉलर यहाँ से फेंक रहा है, यहाँ से फेंक रहा है, यहाँ से भी आप ठीक कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक ड्रिल्स बता देता हूँ, ड्रिल्स क्या क्या करना है, जैसे आप खड़े कर दो बैट्समैन को, ठीक है, ड्रिल्स आपको ड्रिल्स ये करना है, ध्यान से देखना ड्रिल्स को, आप खड़े हो, ठीक है, या प्लास्टिक बॉल लो, स्विंगा बॉल आती है, बहुत सी ऐसी बॉल होती है जो स्विंग होती है, मैं आपको दिखा दूँ,
करना है बैट्समैन को, ठीक है। अब उसको बोल डालना है इन स्विंग, वो दिखेगा, ठीक है। शायद एरिया रहेगी वो स्विंग के, पता चल जाता है कि हाँ ये अंदर आ रही है बाहर आ रही है, तो वो देखना है, डिफेंस करना है, फिर उसी अकॉर्डिंग खेलना है। प्लास्टिक बॉल पे टेप लगा लो या उस तरीके से, तो वो बॉल स्विंग होने लगे। ये ड्रिल्स करना है। दूसरा क्या है, आप नेट्स के पीछे खड़े हो जाओ, जैसे नेट स्विंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं नेट्स के पीछे खड़ा हो गया, बंद नहीं करनी, हेड लेके जाना है बॉल, ठीक है। और बॉल को वॉच करना है, मैंने बैट ले लिया, अब मैं भी खेल रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बैट्समैन बॉल डाल रहा है, देखना है कि वहाँ से छोड़ रहा है बॉलर मीडियम पेसर और कहाँ से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें करोगे, देखना है लास्ट टाइम तक वो कैसे छोड़ रहा है, उसको दिमाग में बिठाना है कि किस तरीके से करना है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ऐड करना है कि आपका जब प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो वहाँ पे होना चाहिए। जब भी आप खेल रहे हो स्विंग बॉलिंग खेलने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। उसी जब वो डाल रहा है बॉलर, तो आपको देखना है भाई डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है, बैटिंग वो कर रहा है भाई, ये वो से डाल रहा है, ऐसा सीमा अंदर आ रही है, हाँ तो मैं अंदर के लिए ऐसे खेलूंगा, जो भी आ रही है ये यहाँ पे आपको प्लान करना है। देन सेकेंड चीज़ क्या है, आप एक ड्रिल कर सकते हो जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था अपने स्टूडेंट को, वो स्पिन के लिए कराया था, स्विप के लिए कराया था, लेकिन ये ड्रिल बहुत ही अच्छा है। खड़े कर दो बैट्समैन को और ऐसे बॉल फेंको रिलीज करके सीन से, ठीक है। नई बॉल ले लो या कोई सी बॉल, और उसको ऐसा मीडियम प्रेशर लो जो कराता हो स्विंग, ऐसे करके स्विंग के साथ उसको फेंको और वो कैच पकड़ेगा, इन स्विंग अंदर आएगी, आउट स्विंग, इन स्विंग बॉल डाला, आउट स्विंग, ये ड्रिल करना है अंदर जो बॉल डाल रहा है। उसके बाद फिर ड्रिल करने के बाद आप खड़े हो जाओ और एक पैटर्न होता है इस तरीके से करके, हल्का सा कर्व होता है, उस पर इधर बॉल लगती है तो अंदर और बाहर आती है। ये भी ड्रिल्स देखता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ये ड्रिल्स कर सकते हो वहाँ से अंदर बाहर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो गाइज, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इसमें, जिसे आप समझोगे तो आप फॉलो करोगे तो आप मीडियम पेसर स्विंग बॉलर को इजीली आराम से हस्ते से रन करोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो थी, तो इस वीडियो को आप शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। और इस वीडियो पे हम रखते हैं, अब तक बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, सो इस वीडियो पे हम रखते हैं कम से कम 1K, यानी 1000 लाइक तो आनी चाहिए इस वीडियो पे। यार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और इनके लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह जो भी है कोई कर सकता है तो करो, क्योंकि इनको फ्री में कराता हूँ और आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि इन बच्चों के लिए भी मैं कुछ सामान खरीद सकूँ और इनको अच्छी इक्विपमेंट सामान सकूँ और अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवा सकूँ। तब के लिए थैंक यू सो मच सबके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।